प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवक की रनिंग के दौरान मौत हुई। बताया जा रहा है कि रोज की तरह शुभम आज भी अपने चाचा के घर से रनिंग के लिए निकला था और इसी दौरान वह अचेत होकर गिर गया, जिसके चलते इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामला थाना एरोड्रम क्षेत्र की अंबिकापुरी कॉलोनी का है, जहां 20 वर्षीय शुभम सरकारी अफसर बनने की तैयारी के लिए हमेशा की तरह आज भी अपने चाचा के घर से रनिंग के लिए निकला था, पर घर नहीं लौटा। जानकारी के अनुसार रनिंग के दौरान शुभम गिर पड़ा, जहां से सेना के जवानों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं बताया जा रहा है कि शुभम पीएससी की तैयारी कर रहा था और वहीं शुभम के चाचा भगवान सिंह, जो पुलिस विभाग में पदस्थ हैं, उनका कहना है कि रनिंग के दौरान शुभम की गिरने की सूचना मिली थी, वो वहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ था। हम जब तक पहुँचते जवानों ने उसे अस्पताल पहुँचा दिया था। फिलहाल एरोड्रम थाना क्षेत्र की पुलिस पूरे मामले में जुट चुकी है। इसी दौरान सब इंस्पेक्टर कृष्णा राठौर ने बताया कि मृतक शुभम सिसोदिया 20 वर्षीय जो पीएससी की तैयारी कर रहा था, आज रनिंग के दौरान बेहोश होकर गिर पड़ा, जहां अस्पताल में डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया है। मामले की जाँच की जा रही है। इंदौर से आशीष जाधौन की रिपोर्ट। सुबह 4 बजे वो घर से निकला रनिंग के लिए, तो वो रनिंग करते हुए बीएसएफ के गेट के पास पहुंचा। बीएसएफ वो बिजासन माता के पास में बीएसएफ का एक कैंपस है, वहां पहुंचा। वहां पर बताया कि बेहोश पड़ा था, तो वहां के दो जवान लेके सहयोग हॉस्पिटल आए। यहां सहयोग हॉस्पिटल वालों ने बताया कि पुलिस को सूचना कर, तो पुलिस को उन्होंने थाने पास में थाने वालों को बुलाया, तो थाने वालों ने मोबाइल में उसका मोबाइल खोला, तो मोबाइल में दिखा मेरा फ़ोटो। मैं स्टाफ में हूँ तो मेरा फ़ोटो देखा, तो वो पहचान गए कि ये भगवान सिंह का फ़ोटो है। तो फिर उन्होंने मेरे को फ़ोन लगाया तो कि शुभम कौन है, तो मैंने कहा शुभम मेरा भतीजा है। तो मैंने क्या हो गया, तो बोले वो बेहोश में है और आप यहाँ आ जाओ। फिर मैं वहाँ घर से मोटरसाइकिल उठे उसके पास गया। किस तरीके की तैयारी कर रहा था जो मृतक है? अब वो तो वही बता पाएगा, वो तो बिल्कुल पढ़ाई किताब के अलावा तो कुछ कहीं कोई उसको गली में भी नहीं पहचानता। ये दौड़ लगाने गया था सुबह 4 बजे बिजासन माता रोड पे, वहाँ पर कहीं बेहोशी की हालत में पड़ा था। वहाँ से कोई एसएफ के बीएसएफ के कोई व्यक्तियों ने ला के उसको सहयोग हॉस्पिटल में भर्ती किया। वहाँ से उसके परिजनों को खबर करी, तो उसमें से निकले प्रधान अर्चक भगवान सिंह, जो हमारे थाने पर पदस्थ हैं, उनका भतीजा है ये। क्या नाम है मृतक का? मृतक का नाम है शुभम सिसोदिया। बताया जा रहा है तैयारी कर रहा था ये। हाँ, पीएससी की तैयारी कर रहा है, विगत 2-3 साल से अपने चाचा के यहाँ रहकर पीएससी की तैयारी। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया तथा इंडियन वेटरन्स टेबल टेनिस कमेटी के तत्वाधान में मध्य प्रदेश टेबल टेनिस संगठन द्वारा 26वीं टेबल टेनिस स्पर्धा 12 फरवरी से अभय प्रशाल में आयोजित की जाएगी। स्पर्धा में विभिन्न राज्यों के 40 वर्ग से 80 आयु वर्ग के करीब 1000 पुरुष व महिला खिलाड़ी भाग लेंगे। जानकारी देते हुए चेयरमैन ओम सोनी तथा महासचिव जयेश आचार्य ने बताया कि पहले यह स्पर्धा 2009 में इंदौर में आयोजित की गई थी। वहीं स्पर्धा में व्यक्तिगत एवं युगल मुकाबले आयोजित होंगे। वहीं महाराष्ट्र के 210 खिलाड़ियों का दल सबसे बड़ा होगा, जबकि मेजबान टीम मध्य प्रदेश के 102 खिलाड़ी भाग लेंगे। स्पर्धा का शुभारंभ 12 फरवरी को होगा तथा पुरस्कार वितरण 17 फरवरी को किया जाएगा। बताया जा रहा है कि स्पर्धा के दौरान भारतीय टेबल टेनिस महासंघ के महासचिव एमपी सिंह तथा एशियन टेबल टेनिस महासंघ के कोषाध्यक्ष धनराज चौधरी भी उपस्थित रहेंगे। गढ़हरा गांव में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण में घटिया सामग्री के प्रयोग से आक्रोशित ग्रामीणों ने आक्रोश जताया। वहीं मौजूद विकास कुमार, मोहम्मद इलियास सहित कई ग्रामीणों ने निर्माण कार्य के जांच की मांग की है। वहीं गांव के रहवासियों ने बताया कि गुणवत्तापूर्ण सड़क निर्माण करने का आग्रह संवेदक से किया गया था, इसके बावजूद भी संवेदक मनमानी करता रहा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत यहां पीसीसी सड़क का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन ग्रामीणों ने बताया कि सड़क के निर्माण कार्य में घटिया किस्म की सामग्री ठेकेदार द्वारा उपयोग की जा रही है। वहीं ठेकेदार एवं उनके स्टॉप सुपरवाइजर गुणवत्ता विहीन अपनी मनमानी से निर्माण कार्य करवा रहे हैं। वहीं उपस्थित विकास कुमार, मोहम्मद इलियास एवं उक्त गांव के अन्य रहवासियों ने समाचार के माध्यम से घटिया निर्माण कार्य की त्वरित जांच की मांग की है। वहीं दोषी पाए जाने वाले ठेकेदारों एवं सुपरवाइजर स्टॉप पर कार्रवाई की मांग करते हुए उन्होंने आग्रह किया है कि
प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत गुणवत्तापूर्ण सड़क के निर्माण कार्य कराए जाएं और सरकार की योजनाओं को पलीता लगाने वाले ठेकेदार, सुपरवाइजर एवं स्टॉप पर कड़ी कार्रवाई की जाए। सिंगरौली से उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट। ये काम अच्छा नहीं हो रहा, काम अच्छा नहीं हो रहा है। जो भी इसमें मटेरियल है वो अच्छा नहीं है, घटिया मटेरियल बस फॉर्मेटिंग हो रही है। ये रोड बना दे रहा है, वो ध्यान नहीं, आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं? क्वालिटी अच्छी नहीं है। खिलजीपुर नगर में चोरों ने मंडी रोड पर बालाजी ट्रेडर्स की दुकान में शटर तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए दुकान में रखे 5 लाख रुपए सहित सोने के जेवरात लेकर फरार हो गए। चोरी की सूचना रात को 1 बजे गश्त कर रहे नेपाली ने दुकान मालिक श्रीनाथ दास गुप्ता को दी, जो परिवार सहित खेराबाद गए थे। इसी दौरान पुलिस ने शक के आधार पर एक युवक को हिरासत में ले लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि पूर्व में भी नगर में ऐसी चोरी की वारदात हो चुकी है, जिसका पुलिस पर्दाफाश नहीं कर पाई है। चोरी हुई कि आपके यहाँ? कहाँ से हुई चोरी? मंडी रोड का दुकान से। क्या क्या लेके गए? 5.5 की करीब तो सिर्फ नकदी थे मेरे। 5,20,000 सोना और बस यही गया। मतलब नकदी और जेवर लेके गए? एक स्टील के डिब्बे में रखा था। हाँ, वो लेके उसको उठा के ले गया। कितने बजे की घटना है ये? 12 से 1 बजे साथी ने नेपाली ने बताया। जब नेपाली जब राउंड पे आया तो उसने फोन दुकान का फोन नंबर लिखा रहा था, उसने बोला तुम्हारा शटर टूटा हुआ है। हाँ, तो आप कहाँ गए हुए थे? ये बालक घर पे था और मैं खैराबाद गया हुआ था बसंत। सब परिवार और मेरे घर एक तरफ आ जाने के कारण रोड से, इसलिए मैं सिलक दुकान पे पड़ी हुई थी। चलता हुआ रोड से आता हुआ। वसंत पंचमी के पावन पर्व पर उज्जैन के प्रभारी व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा उज्जैन पधारे। यहाँ उन्होंने धार्मिक आयोजनों में भाग लिया और आला अधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं कई सारे आवेदनों और शिकायतों पर गौर किया गया और उन्होंने हल करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से मुखातिब हुए और कहा कि विभाग में अभद्र भाषा के बारे में मुख्यमंत्री के संज्ञान में है और शीघ्र ही इस पर कार्रवाई की जाएगी। उज्जैन से मुरली मनोहर जोशी की रिपोर्ट। प्रभारी मंत्री हूँ उज्जैन का और आज बसंत पंचमी का दिन है। इस पवित्र दिन धार्मिक नगरी को प्रणाम करने आना चाहिए। तो कई कार्यक्रम है बड़नगर से लेकर तराना इधर उधर, तो और इस बीच चूँकि जनता की तमाम समस्याएं होती हैं, उनसे भी रूबरू मैं होता हूं और मेरी कोशिश होती है कि अधिकारियों को वहीं पे मैं निर्देश देके उनके कामों को कराऊं। आज भी तमाम आवेदन मिले हैं। पार्श्वनाथ कॉलोनी के लोग बड़े दुखी थे क्योंकि वहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है। कॉलोनाइजर ने बिना पूर्ण विकसित किए कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट नगर निगम से ले लिया है। उनकी बिजली बंद हो गई, पानी बंद हो गया। हमने कमिश्नर और कलेक्टर साहब को निर्देशित किया है कि ये तत्काल इस फाइल को निकला के जो दोषी हैं, जिन्होंने बिना पूर्ण विकास हुए विकसित का सर्टिफिकेट दे दे, ऐसे लोगों को दंडित किया जाए। ऐसी तमाम समस्याएँ आती हैं जो हल करते हैं उस स्थान पर।